इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यवतमाल होममेड हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शेख इस्माइल के द्वारा बनाए जा रहे हेलीकॉप्टर में क्या खराबी आ गई जिससे ये जानलेवा दुर्घटना हुई। ये जानलेवा हेलीकॉप्टर दुर्घटना के होने के कई कारण है। इन कारणों को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर कोई हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है। एरोप्लेन की तरह हेलीकॉप्टर में फिक्स विंग्स नहीं होते, हेलीकॉप्टर में रोटर ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक हेलीकॉप्टर में मुख्यतः दो रोटर ब्लेड होते हैं। पहला रोटर ब्लेड बीच में मौजूद होता है और सबसे ऊपर स्थित होता है, जिसे मेन रोटर कहा जाता है, और दूसरा रोटर ब्लेड पीछे की ओर पूंछ में मौजूद होता है, इस कारण से इसे टेल रोटर कहा जाता है। जब मेन रोटर घूमता है तो हवा को वो तेजी से नीचे की ओर ढकेलता है, जिससे लिफ्ट पैदा होती है, और टेल रोटर का काम होता है हेलीकॉप्टर को संतुलित करना। टेल रोटर के कारण ही हेलीकॉप्टर स्थिर रहता है। महाराष्ट्र में बन रहे यवतमाल हेलीकॉप्टर हादसा में टेल रोटर के सेट को लगाने में संभवतः कुछ गड़बड़ियाँ जरूर हुई होगी, जिससे रफ्तार बढ़ने के बाद टेल रोटर तुरंत ही टूट गया। असल के हेलीकॉप्टर में टेल रोटर, मेन रोटर आदि सभी पुर्जे को काफ़ी बारीकी से मजबूती से जोड़ा जाता है और उनमें उच्च क्वालिटी की धातु का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन यवतमाल के हेलीकॉप्टर में धातु के रूप में वेल्डिंग स्टील पाइप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो एक सही चुनाव नहीं था, जिससे टेल रोटर जैसे ही टूटा उसका एक हिस्सा जाकर मेन रोटर पर लग गया। मेन रोटर पर लगते के साथ ही हेलीकॉप्टर पूरी तरह से असंतुलित हो गया, जिसका परिणाम हुआ ये भयंकर हादसा। अगर इस्माइल थोड़ी सी भी सावधानी बरतकर उस दिन हेलमेट पहने होते तो हो सकता था कि नतीजा इतना भयावह नहीं होती। आपका क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।